News for India. तस्वीरों में हंगामा करते नजर आ रहे ये पूर्व मंत्री संजीव टोनी हैं और हंगामे की जगह है कांग्रेस कार्यालय। बिहार की राजधानी पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में जो घटना आज सामने आई है उसे देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि यह पार्टी में चल रही अंतरकला की इम्तिहान हो गई। वहीं अचानक संजीव टोनी ने बीच बैठक में ऐसा बवाल काटा कि पुलिस के नेता हॉल का चक्कर काटने लगे, बाकी के नेता विधायक अपनी सीट से उठकर वीडियो शूट करने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि खुद नए नवेले प्रभारी को बीच बचाव करना पड़ा। भक्त चरणदास मंच से ही पुलिस जवानों को बाहर जाने का निर्देश देने लगे और कहा कि यह परिवार की बातें हैं, आप लोग बाहर चले जाइए। दूसरे पहलू पर आते हैं, सबसे बढ़िया काम लगता है प्रभारी को ही दूसरी जाने लगते हैं। मैं समझता हूँ चीजों से बचना चाहिए। प्रभारी जी आप आए हैं, आज आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और बिहार में कांग्रेस की जड़ों को फिर से हम मजबूत कर सकते हैं, ऐसा मेरा तो अवश्य मानना है। आंदोलन के रास्ते में पार्टी जाए, संघर्ष के रास्ते पर जाए और मुद्दों को चुने। हम मुद्दे नहीं चुनते, हम जयंती पुनतिथि करते रह जाते हैं। आज आ पाए हैं तो आपका स्वागत हो गया, सब दूसरे प्रभारी आएंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे। स्वागत करना है, ये हमारी परंपरा है, लेकिन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर करिए तो कोई बन बात नहीं कि हम नीतीश कुमार की जेडीयू और नरेंद्र मोदी की भाजपा को परास्त कर सकते हैं, बिहार अपनी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं और कांग्रेस को फिर से खड़ा कर सकते हैं। असल में यह कार्यक्रम बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी के स्वागत के लिए रखा गया था, लेकिन स्वागत के साथ ही पूर्व प्रभारी की कमियां, पार्टी के खराब प्रदर्शन और संवादहीनता जैसी अंदरूनी दिक्कतों पर चर्चा होने लगी। कांग्रेस के MLC प्रेम गुप्ता ने तो यह तक कह दिया कि हम प्रभारियों का स्वागत ही करते रह जाएंगे, हम कभी अपनी कमियों को खुद नहीं समझ पाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.